नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो Instagram अकाउंट होता है, जो आप लोग Instagram चलाते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम Instagram अकाउंट को जो डीएक्टिवेट कर दें, कुछ दिनों के लिए रख दें, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डीएक्टिवेट करने से आपका एक फ़ायदा होगा कि आपका अकाउंट बिल्कुल जो है सेफ़ रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके अकाउंट पे कुछ भी जो है गलत, मतलब जो है गलत प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बिल्कुल जो है ये वीडियो देना चाहिए ताकि आप लोग का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा अच्छे से हम जो है प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अगर लंबी होगी भी तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप किए दोस्तों, यहाँ पर आपको भगाकर बिल्कुल वीडियो नहीं देखना है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम जो है इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम अपने इंस्टाग्राम को ठीक है ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। अब क्या करना है ध्यान समझिए, यहाँ पर आने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर अपने जो है प्रोफाइल पर चले जाना है, जहाँ से आप लोग का प्रोफाइल, जहाँ पर आप लोग वीडियो सॉरी यहाँ पर जो है फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। ऊपर आपको दोस्तों 3 लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, ऊपर आपको सबसे ऊपर ठीक है नाम के बगल में आपको 3 लाइन दिखेगा। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। बिल्कुल मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, मैं भगा भगा कर बिल्कुल जो नहीं समझाऊंगा, आपको अच्छे से स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब आप लोग को एक ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा सेटिंग्स का। ठीक है, आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे नीचे आएंगे तो नीचे से तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा हेल्प का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प सेंटर का। ठीक है, आपको हेल्प सेंटर पे क्लिक कर देना है। हेल्प सेंटर पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग के फ़ोन में आ गया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है 3 लाइन फिर से दोबारा से दिखेगा, तो आपको सर्च के बगल में दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा मैनेज योर अकाउंट का, आपको करना है क्या, मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जो है आप लोगों को क्या करना है, अब यहीं से आपको समझने की बात है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट योर अकाउंट, आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ डिलीट दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आ गए, अब देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको दिया है टेम्परली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, नीचे दिया है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब दोस्तों आपको डीएक्टिवेट करना है तो पहले वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दिए, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों एक आप 3 ऑप्शन आपको दिया है, एक दिया है instagram.com/a-computer, मतलब आप कंप्यूटर में जो है मतलब इसे मतलब कंप्यूटर से करना चाहते हैं, या फिर आपको नीचे जब मोबाइल से आपको जो है करना है तो instagram.com/a-mobile-browser, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लू कलर का आ जाएगा, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको आ जाएगा instagram.com का ऑप्शन। ठीक है, आपको करना क्या, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको ब्राउज़र में लेकर जाएगा। ठीक है, आपका जो भी ब्राउज़र होगा वहाँ पर लेकर जाएगा, और वहाँ पर ले जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर आप लोग को ध्यान समझना है, यहीं पे दोस्तों आपका जो है डीएक्टिवेट होगा, ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आ गए, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लोग आते हैं ना तो फिर आप लोग का ये ब्राउज़र मतलब ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस पर क्लिक जैसे करते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं रेड कलर का दोस्तों हम जो चेक मार्क लगा दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परली डीएक्टिवेट माय अकाउंट, यहाँ पर आपको जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिक मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए बाय।